आज माइनक्राफ्ट में हम लोग क्राफ्ट कर सकते हैं वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिकैक्स। इसके लिए हम लोगों को 1 मिलियन से भी ज्यादा कोबल स्टोन लगेंगे। एक्चुअली में मैंने ये नंबर कैलकुलेट नहीं किया, अगर इतना कर ही लेता तो IIT के एग्जाम नहीं निकाल लेता। लेकिन यस गाइस, आज हम लोगों को वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पिकैक्स बनाने के लिए ढेर सारे कोबल स्टोन लगेंगे। इसका मतलब मेरी पूरी तरह वर्ट लगने वाली है। सो फटाफट तुम लोग इस वीडियो पर लाइक मार देना एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड स्टार्ट करते हैं एक और सुहाना दिन माइनक्राफ्ट में। तो चलो फटाफट अपना काम चालू किया जाए। एंड उसके लिए सबसे पहले मुझे एक वुडन पिकैक्स बनाना पड़ेगा। बूम, ये बन गया। तो अब मुझे इसे अपग्रेड करने के लिए चाहिए होगा थोड़ा बहुत कॉबल स्टोन, जो यहाँ पे भड़बड़ के है। चलो ये अच्छा हुआ, कम से कम मुझे एक अच्छे जगह स्पॉन तो मिला। तो लेट्स गो, फटाफट कॉबल स्टोन कलेक्ट किया जाए। तुम लोग काउंट करते रहना कि मुझे कितना कॉबल स्टोन लगा। नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, इतने सारे लगेंगे ना तुम लोग गिनती भूल जाओगे। कोशिश भी करना बेकार है, तो तुम लोग ट्राई भी मत करना। इतना कॉबल स्टोन काफी रहेगा। तो अब हम लोग इन सभी कॉबल स्टोन से बना सकते एक सुपीरियर कॉबल स्टोन। ये बन गया। अरे रुक जाओ, ऐसे मुझे 8 क्राफ्ट करने पड़ेंगे। मतलब मुझे अभी एटलीस्ट, तुम लोग खुद ही कैलकुलेट कर लेना, मैं फटाफट कलेक्ट ही कर लेता हूँ। चलो तो फिर से इतना सारा कॉबल स्टोन कलेक्ट कर लिया। तो अब मुझे क्राफ्ट करना है सुपीरियर कॉबल स्टोन। देखा जाइए, मैं टोटल 7 क्राफ्ट कर सकता हूँ। लेट्स गो। तो अब हम लोग अपने पिकैक्स को अपग्रेड कर पाएंगे। देखने दो, अल्टीमेट वुडन पिकैक्स बन जाएगा। तो अब इसे ट्राई किया जाए। एंड ओ भाई, देखा ये कितना ज्यादा ओपी है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं, जब इसका मैक्स हम लोग डायमंड वाला बनाएंगे ना, तब तुम लोग तबाही देखना। एक बार फिर से यूज करता हूँ। एंड ओ भाई, ये बड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा है मुझे। एक बार फिर से मजा आया। तो रुक जाओ, फिर से अपने इस वाले पिकैक्स को भी अपग्रेड कर लेते हैं। एंड उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ढेर सारा सुपीरियर कॉबल स्टोन बनाना पड़ेगा। एंड इसकी मदद से हम लोग अब बना सकते हैं बेटर सुपीरियर कॉबल स्टोन। मतलब तुम लोग देख रहे हो, 9 कॉबल स्टोन से बनेगा एक सुपीरियर कॉबल स्टोन, और फिर 9 सुपीरियर कॉबल स्टोन से बनेगा बेटर सुपीरियर कॉबल स्टोन। मतलब एक बेटर सुपीरियर कॉबल स्टोन। मैं चुपचाप क्राफ्ट करने की कोशिश करता हूँ, कैलकुलेशन गया तेल लेने। तो सबसे पहले तो मुझे ये ढेर सारा बनाना पड़ेगा। चलो बन गया। तो अब ये मेरे पास 37 हो गया। अब इसका हम लोग बना लेंगे बेटर सुपीरियर कॉबल स्टोन। एंड अरे बस 5 ही बना। व्हाट द हेल मैन, अभी तो ये सेकेंडरी लेवल है, पता नहीं डायमंड वाले लेवल पे पहुंचते पहुंचते मेरी क्या हालत होगी। ओके, तो फाइनली मैंने 8 बेटर सुपीरियर कॉबल स्टोन कलेक्ट कर ही लिया। तो चलो अब अपना नेक्स्ट पिकैक्स भी बनाया जाए। उसके लिए तो सबसे पहले मुझे एक स्टोन पिकैक्स बनाने दो। एंड अब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे एक पिकैक्स में। ये बन गया हमारा अल्टीमेट स्टोन पिकैक्स। ओ भैया, अब इससे मचेगा ना तो भाई। यहाँ पे कहीं बंदर मैन था, छोड़ो, हम लोग बंदर मैन को इग्नोर मारते हैं एंड देखते हैं तबाही। ओ भाई, रुक जाओ यार, ये देखो माइन होता ही जा रहा है इससे। ये देखना, ये मैंने तोड़ दिया, और कमाल देखना, व्हाट द हेल, ये ब्लॉक नहीं टूटा। कमॉन यार, मुझे अपने ऑडियंस को सेटिस्फेक्शन वाला वीडियो दिखाना था। अब देखना कमाल तुम लोग। एंड ऊपर से ये देखो कितना सारा एक्सपीरियंस मिल गया, कितना सारा कॉबल स्टोन मिल गया। अरे रुक जाओ, तो पहले मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजिंग वाला काम करना पड़ेगा, चेस्ट ये सब क्राफ्ट करना पड़ेगा। ये नहीं करना था, लेकिन कोई बात नहीं, हो गया, गलती से मिस्टेक हो गया। लेट्स गो। तो ये देखो, मैंने अपने लिए इतने सारे, ना, ये सारे कॉबल स्टोन नहीं है, ये सारे सुपीरियर कॉबल स्टोन है। अभी 10 मिनट से बैठ के यही क्राफ्ट कर रहा हूँ। तो अब हम लोग इसे कन्वर्ट कर पाएंगे सुपीरियर कॉबल स्टोन में। एंड उसके बाद क्या क्राफ्ट कर पाएंगे वो तो देखना पड़ेगा। चलो देखा जाए। तो सबसे पहले इन सभी को तो कन्वर्ट करो बेटर। What the fish man, एक स्टैक कम ही गया। ओके, तो अब फाइनली मैं क्राफ्ट कर पाऊंगा बेटर सुपीरियर कॉबल स्टोन। लेट्स गो, ये कलेक्ट कर लिया 64। अब देखा जाए इसकी हेल्प से हम लोग क्या क्राफ्ट कर पाएंगे। एंड ये है सुपर बेटर सुपीरियर कॉबल स्टोन। ये नाम कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा नहीं हो गया। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट पिकैक्स भी बना पाएंगे, लेकिन उसके लिए आयरन ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, बट रुक जाओ, फटाफट एक एक्स बनाने दो। ये एक्स रहेगा तब मैं सेफ फील करूंगा। एंड चलो अब आयरन ढूंढना जाए। आयरन तो इजिली मिल जाए चाहिए, इतना ज्यादा ओपी पिकैक्स है। अरे भैया, आयरन ढूंढा था, हड्डी नहीं। चलो तो मेरे कमाल के पिकैक्स, अपना कमाल तुम दिखाओ। लेट्स गो, इसे तोड़ा जाए। ओ अरे अरे, ये सब यहाँ पे कहाँ से आ गए? हेलो, व्हाट द हेल, ये लोग तो एंड में रहते हैं ना। लेकिन गाइस, यहाँ पे हम लोगों को आयरन भी मिल गया। ओ हो, बल्ले। लॉल, यहाँ पे तो मुझे नीचे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हे भगवान, नहीं, ये चूहे मुझे मार डालेंगे। ओ चूहो भाई साहब, छोड़ दो प्लीज, पिज्जा ला के दूंगा, कुछ भी। चलो तो आई गेस अब सब कुछ हो गया, इधर से आयरन बन जाएगा। एंड हमारे पास 7
अच्छा नहीं, ये 8 चाहिए, ये सुपर वाला एक और क्राफ्ट करना पड़ेगा। बस तुम लोग देखते रहना इसे क्राफ्ट करने में कितना सारा कोबलस्टोन लगता है। इतने सारे कोबलस्टोन से बनेगा ये सुपीरियर कोबलस्टोन, एंड फिर इसके बाद इतने सारे से। अरे यार क्या मैं भी तुम लोगों को मैथ पढ़ा रहा हूँ? तुम लोग इंटेलिजेंट हो, समझ गए होगे? नहीं। ओके, तो फाइनली मैंने ये इतना लंबा नाम वाला कोबलस्टोन बना ही लिया। अब हम लोग फाइनली क्राफ्ट कर पाएंगे सुपर वाला आयरन पिकैक्स। तो ये तो बन गया नॉर्मल वाला, एंड ये बन गया हमारा सुपर वाला अल्टीमेट आयरन पिकैक्स। लेट्स गो, अब देखा जाए इसे क्या तबाही मचेगा। एंड ये देखो, अरे अरे देखने तो रुक जाओ, देखने दो। अरे यार तुम लोगों को ढंग से नहीं दिखा पाया, तो इस बार पक्का दिखाऊंगा। तो ये देखो, बाप रे, लगातार टूटते ही जा रहे ब्लॉक, टूटते ही जा रहे। बस कर भाई, रुक जा, थोड़ा संभल जा। हेलो भैया, क्या मैं आपको गड्ढे में गिरा दूं? नहीं मम्मी मम्मी मम्मी, मैं मर गया। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया पिकेक्स के बारे में, खाने के बारे में तो भूल ही गया। भाई प्लीज पट से हेडशॉट मत मार देना। चलो मरा ये। ओके, तो आयरन पिकैक्स तो क्राफ्ट कर लिया, तो अब बस बचा है डायमंड पिकैक्स क्राफ्ट करना। एंड आई डोंट थिंक सो उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। यार इतने सारे मस्त मस्त पिकैक्स है, तो डायमंड तो फटाक से मिल जाएगा। बस प्रॉब्लम करेंगे तो ये सारे लोग। मुझे पहले थोड़ा बहुत खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे जाऊंगा तो जॉम्बी से पक्का पिटाई खाऊंगा। तो चलो ब्लॉक्स का यूज कर करके मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। हेलो मिस्टर काव, हाउ आर यू डूइंग? हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। चलो खाने का भी इंतजाम हो गया। एंड रुक जाओ, मैं ऐसा करता हूँ अपने लिए एक बकेट भी बना लेता हूँ, क्या पता कब मुझे अपना MLG पेरोगिरी दिखाना पड़ जाए। तो ये हो गया वाटर बकेट का इंतजाम, नाउ आई एम रेडी। तो अब चलो डायमंड खोजो अभियान पे चला जाए, ये नहीं करने का इरादा था मेरा। तो अब ये डायमंड कहाँ से खोजा जाए? रुक जाओ, इधर केव है, यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं इस पिकैक्स से डायरेक्टली नीचे माइन करूंगा तो ओहो, ये देखो ये तो ऑटोमेटिकली लिफ्ट बन गया। अरे भाई मैं तो डायरेक्टली नीचे आता जा रहा हूँ, अरे ये तो बड़ा कूल था। नहीं, ये कूल नहीं है। भाई ये चूहे यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं मुझे नहीं पता। What the hell guys, please don't bully me। ऐसा करता हूँ चुपचाप डायरेक्ट फिर से नीचे चला जाता हूँ। गाइज ये देखो, ये तो नेचुरल लिफ्ट यहाँ पे बन गया, यही मैं कह रहा था। ऐसा पिकैक्स होगा तो डायमंड ढूंढना कितना इजी हो जाएगा। एक बार फिर से इस पिकैक्स का यूज किया जाए एंड मैं ऑटोमेटिकली लेवल 12 पे। ओ एमरल्ड मिल गया, लेकिन ओ डायमंड भी मिल गया। लेट्स गो। अरे यार फिर से चूहों की आवाज आने लगी। अरे भाई कहां से आ रहे हैं ये लोग? ना, ढेर सारे आ गए इस बार। अरे भाई मैं तो यहाँ बस सीधा साधा डायमंड लेने आया था, तुम लोग क्या कर रहे हो? ना, ये लोग मुझे फालतू का बीटी दे रहे हैं। ये लोग डूब के मर जाओ। ये तो उल्टा पड़ गया। थोड़ा इन सभी चूहों को इग्नोर मारता हूँ, चुपचाप यहाँ से डायमंड लेके निकला जाए। तो सबसे पहले तो हेल्थ फुल करने दो, एंड अब फटाक से दौड़ के ये सारे डायमंड माइन करो। लेट्स गो और भाग लिया जाए यहाँ से। नहीं, इधर लावा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। मम्मी, ओ गॉड। What the hell? अभी मेरा सारा मेहनत बर्बाद चला जाता। Come on, कोई मुझे बताएगा ये सारे यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? और ऊपर से मुझे डायमंड भी नहीं मिला। ऐसा करता हूँ मैं इन सभी को लावा में ले चल जाता हूँ। ओ, ये ट्रिक काम कर गया। लॉल भाई 3000 IQ गेम प्ले। मुझे नहीं पता था ये सारे इतने पागल है कि मुझे फॉलो करते करते लावा में घुस जाएंगे। पकलोस, अब शायद मैं अपना डायमंड ले सकता हूँ। चलो, डायमंड मिला? डायमंड नहीं मिला। Come on, यार डायमंड दो ना मुझे। एमरल्ड मिल गया, गोल्ड मिल गया, एंड फाइनली डायमंड भी मिल गया। चलो तो अब फटाफट डायमंड पिकैक्स भी बना लिया जाए, एंड ये बन गया हमारा डायमंड पिकैक्स। तो अब बस मुझे सुपीरियर कोबलस्टोन बनाना पड़ेगा। चलो भैया वो भी बना लिया जाए, क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। वैसे देखा जाए तो सही में उतना कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। जब मेरे पास ऐसा खतरनाक वाला पिकैक्स रहे जो एकदम फैक्ट्री चला दे सामने, तो दिक्कत क्या होगा? दिक्कत होगा ना, इनसे होगा दिक्कत। ओके, तो मुझे 15-20 मिनट लग गए, लेकिन मैंने फाइनली इतना सारा सुपीरियर कोबलस्टोन बना लिया, इतना सारा बेटर सुपीरियर कोबलस्टोन बना लिया। अब देखा जाए इतना में भी काम चलेगा या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो इन सभी सुपीरियर वाले को बेटर वाले में कन्वर्ट करने दो। ये बन गया हमारा इतना सारा बेटर सुपीरियर कोबलस्टोन। अब इन सभी को कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को सुपर बेटर सुपीरियर कोबलस्टोन। एंड अब देखा जाए सुपर वाले से क्या बनता है। ये बन गया हमारा ग्रेटर सुपर बेटर सुपीरियर कोबलस्टोन। एंड 15-20 मिनट काम करने के बाद मैं बस ये एक बना पाया। अभी मुझे ये 8 और बनाना पड़ेगा। हाय मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। 3000 years later, तो फाइनली इतनी ज्यादा माइनिंग करने के बाद ये लंबा
लंबे नेम वाला कोबलस्टोन मैंने बना ही लिया। अब मैं अपना सुपर लंबा कोबलस्टोन वाला, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ये वाला पिकैक्स बना पाएंगे भाई। इस पे चंक माइनिंग फोड़ दिया इन लोगों ने, तो अब देखा जाए इससे क्या बवाल मचेगा। तो बस भाई इतना ज्यादा लैग हो रहा है, कुछ करने का नहीं। ओ अच्छा, ये पूरा ऊपर से नीचे माइन हो गया। अरे लेकिन कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया क्योंकि आधा एरिया तो मैंने ऑलरेडी माइन कर रखा था। तो चलो अब ये वाले एरिया को माइन करता हूँ। एंड भाई 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 मेरा पीसी हैंडल ही नहीं कर पा रहा। ये देखो तो एक बार में ये पिकैक्स पूरा का पूरा चंक ही माइन कर देता है। ये कुछ ज्यादा ही ओपी हो गया, इतना ज्यादा ओपी हो गया कि मेरा पीसी भी हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये देखो एकदम लैग चालू हो जाता है इसमें। आई गेस मुझे आयरन वाला ही पिकैक्स यूज करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा लैग नहीं होता। तो चलो मैं चलता हूँ यहाँ पे पूरा तबाही मचाने, एंड मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।